अपने लैपटॉप को मोबाइल के इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें यूएसबी की मदद से, तो इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में एक सिर्फ यूएसबी केबल की हेल्प से बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए ज़रूरत है आपको एक यूएसबी केबल की, आपको अपने मोबाइल की, जिसमें जो है इंटरनेट वर्क कर रहा हो, और फिर इस तरीके से आपको इस यूएसबी को लैपटॉप के यूएसबी स्लॉट में डाल देना है और इस साइड को आपको मोबाइल में इंसर्ट कर देना है। तो अब यहाँ से जो ये ऑप्शंस आते हैं आपके सामने कि फाइल ट्रांसफ़र, नो डेटा ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं यूएसबी टेजिंग का। और अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो सीधा सेटिंग्स में जाकर हॉटस्पॉट एंड टेजिंग में जाकर यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यूएसबी टेजिंग और शेयर फोन्स इंटरनेट वाया यूएसबी। तो इसको आपको क्या करना है, ऑन कर देना है यहाँ से। तो ये ऑन हो जाएगा और आपका फ़ोन यूएसबी से, यहाँ पर बात करें लैपटॉप से, यूएसबी की मदद से कनेक्टेड है और आपने इसको ऑन कर दिया है। तो अब आपका जो है इंटरनेट मोबाइल का शेयर होना शुरू हो जाएगा आपके लैपटॉप के साथ, और आप लैपटॉप में भी इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे बिना वाईफाई के, ठीक है। वाईफाई हमने जो है इसमें आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप सिर्फ यूएसबी की हेल्प से इजीली अपने जो है मोबाइल के डेटा को लैपटॉप के साथ शेयर कर सकते हैं, लैपटॉप या पीसी, ठीक है। और यहाँ से आप इसका जो है यहाँ से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं, कनेक्टेड, और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है इसका जो बात कर प्रोसेस, बहुत ही आसान प्रोसेस अपने मोबाइल के इंटरनेट को लैपटॉप में शेयर करने का।